ନିର୍ବାଚନରେ ଇଭିଏମ୍ ମେସିନ୍ର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ବାଦ ଦେଇ ପୂର୍ବଭଳି ପୁଣି ବ୍ୟାଲଟ୍ ପ୍ରଚଳନ ପାଇଁ ଦାବି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଭଳି ଦାବିକୁ ନେଇ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ଓମକାର ସିଂ ଧିଲନ୍ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଲାଗି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ ସହ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପଦଯାତ୍ରା ଜରିଆରେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବାହାରିଥିବା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସୋମବାର ଦିନ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। मैं 18 अगस्त से ईवीएम हटाओ देश बचाओ की मुहिम लेके पैदल यात्रा पे निकला हूँ, जो लगभग 4,500 किलोमीटर की है, जिसमें 6,500 किलोमीटर की, जिसमें 4,500 पूरा हो गया है। मैंने उत्तराखंड से स्टार्ट किया, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश होते हुए आज मैं उड़ीसा में हूँ। यहाँ से मैं झारखंड, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी होते हुए मैं दिल्ली पहुँचूँगा, जहाँ पर राजघाट पर जाके मैं ये अपना समापन करूंगा। मेरा ये मानना है कि जो सरकार वोटों की चोरी से बनेगी वो देश और जनता का भला नहीं कर सकती। आज जो हमारे देश की स्थिति है, जो आज देश जल रहा है हमारा, ये सब ईवीएम की देन है। हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि असली लड़ाई हमारी किन लोगों से है। हमारी लड़ाई ईवीएम से है। आपने देखा होगा बाई इलेक्शन में बीजेपी बहुत बुरी तरीके से हारती है और मेन इलेक्शन ही जीत जाती है। आपने देखा होगा कि जहाँ भी मशीन पकड़ी जाती है वहाँ पर जो है वोट एक पार्टी को ही जा रहा होता है। भैया ऐसा नहीं कि हमने सपा को वोट दिया, बसपा को चला गया, आम आदमी को चला गया, वो पर्टिकुलर एक पार्टी को वोट जा रहा होता है। इसमें प्रोग्रामिंग है, मैं हैकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें प्रोग्रामिंग है जो प्रोग्राम से सेट होती है। और ये एक जो हमारा ह्यूमन राइट्स है वो हमारे मतदान से स्टार्ट होता है। जब हम पहला वोट डालते हैं, जब हम मत करते हैं तो हमारे ह्यूमन राइट्स स्टार्ट होते हैं, नहीं तो अगर राजशाही आ जाएगी तो आज इन्होंने राजशाही कर दी है। हमारे पे नए नए नियम थोप रहे हैं, नई नई फाउंडेशन लगा रहे हैं, हम क्या खाएंगे क्या पियेंगे ये लोग बैठ के डिसाइड करेंगे। तो आज हमारे देश की स्थिति बहुत ख़राब है, ये सब ईवीएम की वजह से। समर्थन मुझे बड़ा अच्छा मिल रहा है, मुझे सारी पार्टियों के लगभग लोग मिलते हैं रास्ते में, सब मुझे इंटरनल सपोर्ट करते हैं। कोई पार्टी अभी खुल के मेरे साथ नहीं चली है, लेकिन इंटरनल मेरे पास सब पार्टियों का सपोर्ट है। मुझे उम्मीद है जब मैं दिल्ली पहुंचूंगा तो वहां पे एक बड़ा आंदोलन बनेगा। ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ସଙ୍କେତ ଟିଭିର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାନ୍ତୁ ତାଜା ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।